इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 9i 5G वर्सेस Oppo M4 Pro 5G। जी हाँ गाइस, ये दोनों फ़ोन एक ही प्राइस रेंज में हैं और यहाँ पर हम इनको कंपेयर करने वाले हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर हो सकता है। अगर आप कोई इस प्राइस रेंज में अपने लिए फ़ोन डिसाइड करना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए कोई फ़ोन यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको आई होप लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपको बाई करना चाहिए, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रियलमी 9i 5G की अगर हम बात करें तो इसका लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह से है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेजर लाइट डिज़ाइन बैक पैनल में आपको कुछ इस तरह से मिलता है जो लाइट रिफ्लेक्शन करता है। वेट की अगर हम बात करें इसके तो 187 ग्राम का ये फ़ोन है और यहाँ पर पोको M4 की अगर हम बात करें सो लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और यहाँ पर 195 ग्राम्स का ये होता है। तो इसका वेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू रियलमी 9i 5G थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इसका वेट ज़्यादा है पोको M4 Pro 5G का, रियलमी 9i 5G का थोड़ा सा कम है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन यहाँ पर जो रियलमी 9i 5G है उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाला IPS LCD यहाँ पर मिलता है जो कि 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ मिल जाता है। वहीं पर पोको M4 5G की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.6 इंचेस IPS LCD 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 450 निट्स 399 PPI पर वेज्ड आपको ये LCD पैनल इसमें दिया जाता है। सो ये दोनों ही LCD हैं, AMOLED किसी में भी नहीं मिल रहा है। दोनों फ़ोन में से किसी में भी आपको AMOLED पैनल नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां पर IPS LCD ही दिया गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें IPS LCD कौन सी यहां पर ज्यादा बेटर है तो यहां पर ऑलमोस्ट सारा कुछ ठीक है। रिफ्रेश रेट भी ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि 90 हर्ट्ज़ और उधर भी है तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो ब्राइटनेस दी गई है वो थोड़ी सी कम दी गई है एज़ कम्पेयर टू पोको M4। पोको M4 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा जिससे आपको कंटेंट थोड़ा सा ब्राइट मिलेगा देखने को। ज़्यादा मैटर तो नहीं करता है बट अगर हम कंपेयर करेंगे रियलमी 9i 5G से तो थोड़ा सा बेटर है पोको M4 की डिस्प्ले। बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की। तो कैमरा में आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिलता है रियलमी 9i 5G में। वहीं पर 2MP का सेकेंड कैमरा मिल जाता है और मैक्रो आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर ये जो कैमराज हैं वो 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल जिसको ज़्यादा फोकस किया गया है तो वो है प्राइमरी कैमरा पर रियलमी 9i 5G में। वहीं पर अगर हम बात करें पोको M4 Pro 5G की तो वहाँ पर 50 मेगापिक्सल में वाइड एंगल कैमरा मिलता है। डुअल कैमरा आपको इसमें दिया जाता है, ट्रिपल कैमरा नहीं मिलेगा पोको M4 में। तो 8 मेगापिक्सल में आपको अल्ट्रा वाइड दिया जाता है, इसमें अल्ट्रा वाइड दे दिया है लेकिन वहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया भी है तो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का, लेकिन प्राइमरी कैमरा रियलमी 9i 5G का थोड़ा बेटर है। तो अब हम बात करें अगर इन दोनों में से कोई एक कैमरा चूज़ करने की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आप कर सकते हैं, वहीं पोको M4 में भी कर सकते हैं और यहाँ पर रियलमी 9i 5G में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन अगर हम बात करें कोई एक चूज़ करने की यहाँ पर तो पोको M4 Pro 5G ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। सेल्फी कैमरा में आपको 8 मेगापिक्सल में आपको मिल जाता है रियलमी 9i 5G में। अब हम बात करते हैं पोको M4 Pro 5G के सेल्फी कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल में वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी। वहीं पर आप 8 मेगापिक्सल है रियलमी 9i 5G में फिर भी आप फुल HD यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्फी कैमरा को अगर हम देखें तो यहाँ पर पोको M4 प्रो का है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 9i 5G। तो पोको M4 प्रो में आपको अच्छा कैमरा मिल जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो रियलमी 9i 5G है उसमें कैमरा आप ज़्यादा ठीक नहीं है तो वो भी ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पोको M4 अगर हम बात करें दोनों में से कोई एक चूज़ करने की तो यहाँ पर पोको M4 प्रो 5G बेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की। चिपसेट से पहले अगर हम बात करें OS की तो OS में यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 रियलमी 9i रियलमी UI 3.0 पर आपको मिलता है जो कि रियलमी 9i 5G में है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोको M4 Pro 5G की तो यहाँ पर भी आपको जो OS मिलता है वो MIUI मिलता है जो कि 12.5 वर्जन पर है। तो ब्लॉडवेयर्स तो आपको दोनों में ही मिलने वाले हैं तो दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको MediaTek Dimensity 810 आपको मिलता है, 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। वहीं पर सिमिलर चिपसेट आपको पोको M4 Pro 5G में भी मिल जाता है। तो जो प्रोसेसर हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो लिथियम पॉलीमर 5000 mAh 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ रियलमी 9i 5G में बैटरी दी जाती है। तो अब हम बात करें अगर पोको M4 की तो यहाँ पर भी आपको बैटरी 5000 mAh में ही मिलती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ दी गई है। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को बढ़ा दिया गया है और ये बैटरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। जब यहाँ पर रियलमी 9i 5G ने 5000 mAh की बैटरी दी थी तो यहाँ पर इसको 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 18 वाट दिया गया है तो ये थोड़ा सा पीछे है यहाँ पर। ये पोको M4 यहाँ पर बेस्ट है। तो अगर बैटरी की बात करें तो पोको M4 की बैटरी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यहाँ पर जो बैटरी है वो जल्दी थोड़ा चार्ज हो जाती है लेकिन 18 वाट का
फास्ट चार्जर के थोड़ा सा स्लो चार्ज करेगा। तो अगर आप स्लो एंड फास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पोको एम फोर ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड है यहाँ पर, और वहीं पर भी आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको दोनों में देखने को मिलेगा। NFC आपको रियलमी 9i 5G में नहीं मिलेगी, पोको एम फोर में मिल जाएगी। 3.5mm का जैक आपको दोनों में मिल जाएगा। और स्टीरियो स्पीकर की अगर हम बात करें तो पोको M4 Pro 5G में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको रियलमी 9i 5G में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। सो बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 4GB और 64GB में आपको ये मिलता है, वहीं पर पोको M4 भी मिल जाता है। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे स्पेक्स इसमें बता दिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।